दोषी ठहराया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लैन के मामले के विच दोषी ठहराया गया है। मोहाली के मुलापुर के एक बिल्डर ने इल्जाम लगाए सन। कल कोर्ट राका गिरा नू दस दईए कि सजा जी है वह सुनाएगी और 2011 राका गिरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने चंडीगढ़ के सैक्टर 15 के स्थित घर तो गिरफ्तारी की थी, जिस तो बाद हूँ दोषी करार हुई है। और सबका महिला डीएसपी है राका गिरा जिन्हों दोषी करार दिता गया है। सीबीआई की स्पैशल कोर्ट ने दस दिए कि दोषी ठहराया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लैन के मामले के दोषी ठहराया गया है। इल्जाम जड़े ने मोहाली के एक बिल्डर ने लगाए थे जो दोष हूँ तय हुए ने और दोषी ठहरा दिता गया है सबका डीएसपी ने। तो मोहाली के मुलापुर के एक बिल्डर के वालों इल्जाम लगाए गए सन और कल कोर्ट के वालों राका गेरा नू सजा जो है सुनाई जाएगी। तो 2011 राका गेरा के खिलाफ मामला दर्ज होया सी। सीबीआई ने चंडीगढ़ के सैक्टर 15 के स्थित घर तो गिरफ्तारी की सी, जिस तो बाद जो है केस चलिया और हुण ये दोष तय हो गए। तो रिश्वत लैन का सारा मामला है, भ्रिष्टाचारी का सारा मामला है। महिला सबका महिला डीएसपी है राका गेरा, जिसकी तस्वीर भी तुम्हें दिखा रहे हैं, जिन्हों दोषी करार दिता गया है। सीबीआई की स्पैशल कोर्ट ने दस दिए कि दोषी ठहराया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लैन के मामले के विच ये दोष तय हुए। उधर सरहद पारों घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने गुरदासपुर के तरन तारण के दो शक्की जड़े ने काबू किए ने। गुरदासपुर के अफगान नागरिक को काबू किया गया है। तरन तारण के एक पाकिस्तानी नागरिक है जिसनों गिरफ्तार किया गया। भारतीय सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे सन। बीएसएफ के वालों दोहां शक्कियों तो पूछगिछ की जा रही है और जो अपने आप को अफगानी दस रहा है उस तो पाकिस्तानी करंसी भी बरामद हुई है। हालांकि हुण अगे दी इन्वेस्टिगेशन होएगी, देखा जाएगा कि ये लोग दोवें कौन ने, क्योंकि यह शक्की व्यक्ति ने एक तरन तारण च काबू होया है और एक नू जिहड़ा है गुरदासपुर दे विच काबू किया गया है। एक अफगान नागरिक है जिस तो पाकिस्तानी करंसी भी बरामद। इन्हां दीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं पर धुंधलियां करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अजे शक्की व्यक्ति ने हो सकता है गलती दे नाल भी जिहड़ा वो सरहद पारों इत्थे एंटर हो गए होण, क्योंकि बहुत सारे मामले पिछले समय च अजिहे सामने आए सन कि जदों कोई मानसिक तौर पर भी परेशान हुंदा है या गलती दे नाल भी जिहड़ा है उह सरहद पार कर लैंदा है। तां हुण देखना होएगा कि ये दोवें कौन ने और की किसे माड़े इरादे दे नाल भारत च दाखल हो। अगे वधांगे तां पेपर लीक होण ते 10 साल की सज़ा होएगी। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। लोग सभा दे विच दस दईए कि बिल पेश कर दिता गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने बिल पेश किया है। यूपीएससी नीट अते जेईई प्रीख्यावां ते भी यह बिल जिहड़ा है वह लागू होएगा। कई सूबिया ने केंद्र तो दस दईए कि कानून बनाउण की मांग की सी, क्योंकि पेपर लीक होण दे मामले पिछले दिनों च सामने आए, जिस तों बाद वड्डी परेशानी खास तौर पर जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां नूं झलनी पैंदी है, क्योंकि बेहद ही कड़ी मेहनत तो बाद जो पेपर दिता जाता है और फिर बाद दे विच एक खबर आती है कि पेपर लीक होया सी, तां फिर उस सारी मेहनत एक बार उस ते पानी फिर जाता है। तो जिस तों बाद एक कानून बनाउण की मांग की गई सी। तां हुण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होएगा और 10 साल की सज़ा भी होएगी जेकर पेपर लीक हुंदा है और जेकर उस मामले दे विच कोई दोषी पाया जाता है।